सीएम योगी की लुटिया डुबाने पर तुले उन्हीं की पार्टी के नेता। आखिर क्यों अयोध्या से गोरखपुर गए सीएम योगी आदित्यनाथ? पार्टी हाईकमान आखिर क्यों योगी को अयोध्या से लड़ाना चाहती थी? पार्टी हाईकमान को नजरअंदाज करके क्यों गोरखपुर भागे सीएम योगी? योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे सुरक्षित सीट है गोरखपुर सदर, लेकिन अखिलेश यादव के मास्टर स्ट्रोक से सीएम योगी भी घबराए। सीएम योगी के खिलाफ लड़ेगी उन्हीं के उत्तराधिकारी की पत्नी सुभावती शुक्ला। गोरखपुर सदर सीट पर महाभारत होना तय। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब उन्होंने गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन यहां भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के खिलाफ उन्हीं के उत्तराधिकारी रहे उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को चुनाव मैदान में उतार दिया है। गोरखपुर सदर से सुभावती शुक्ला के मैदान में आने के बाद यहां का समीकरण बिगड़ चुका है। योगी आदित्यनाथ को भी अब इस बात का डर सताने लगा है कि वो गोरखपुर सदर से चुनाव हार सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुभावती शुक्ला पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला की पत्नी है। उपेंद्र दत्त शुक्ला गोरखपुर क्षेत्र में बीजेपी पार्टी का ब्राह्मण चेहरा थे। वो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे। उपेंद्र दत्त शुक्ला का मई 2020 में ब्रेन हैमरेज से निधन हो गया था। उनके असमय निधन से योगी आदित्यनाथ इतने दुखी हुए थे कि उन्होंने खुद परिवार को फोन करके शोक प्रकट किया था। उपेंद्र दत्त शुक्ला कौड़ीराम विधानसभा सीट से 3 बार चुनाव लड़े थे और 3 बार हार गए थे। यूपी का सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 2018 में यहां उपचुनाव कराए गए थे। इस उपचुनाव में उपेंद्र दत्त शुक्ला को सीएम योगी ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर चुना था, लेकिन उपेंद्र दत्त शुक्ला यहां से भी चुनाव हार गए थे। गोरखपुर सदर सीट का सबसे पहले आपको जातिगत समीकरण समझने होंगे। गोरखपुर सदर सीट पर निषादों का बोलबाला है। यहां पर निषाद, केवट, मल्लाह वोटरों की संख्या 40,000 से ज्यादा है। इस सीट पर 30,000 दलित वोटर भी हैं। यहां 20,000 से 25,000 बनिया और जायसवाल वोटर हैं, जबकि ब्राह्मण 30 से ज्यादा। राजपूत वोटर यहां 20,000 से 25,000 हैं, जबकि कायस्थों की संख्या गोरखपुर सदर सीट पर काफी ज्यादा है। ऐसे में सीट से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जातिगत समीकरण को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद भी यहां पर अच्छा खासा वोट बटोरने में कामयाब हो सकते हैं, जिसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुभावती शुक्ला को होगा। अखिलेश यादव के मास्टर स्ट्रोक ने सभी को भौचक्का कर दिया है। माना जा रहा था कि अखिलेश यादव सीएम योगी के खिलाफ खड़े चंद्रशेखर को समर्थन देने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार कर सबको चौंका दिया। गोरखपुर सदर सीट के जातिगत समीकरण को देखते हुए फिलहाल समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुभावती शुक्ला का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि गोरखपुर सदर से सीएम योगी आदित्यनाथ, चंद्रशेखर आजाद या सुभावती शुक्ला किसके सिर पर ताज सजेगा।